नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर मनोज और आप इस समय हैं मेरे साथ मेरे यूट्यूब चैनल हेल्थ केयर विद डॉक्टर मनोज में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि हमारे दांतों में पीलापन क्यों आता है। आपने भी अक्सर देखा होगा, लोगों की बहुत ज़्यादा कंप्लेन रहती है कि वो कोई नशा पत्ती नहीं करते हैं लेकिन फिर भी उनके दांतों में पीलापन हमेशा बना रहता है। पीलापन धीरे धीरे आता जाता है। वो दो बार ब्रश करते हैं, ज़्यादा समय तक ब्रश करते हैं, ज़्यादा आप ताकत के साथ ब्रश करते हैं लेकिन फिर भी उनके दांतों में पीलापन आ जाता है और वो परमानेंटली बना रहता है। तो आज के इस वीडियो में मैं उन्हीं कुछ प्रमुख कारणों के बारे में आपसे चर्चा करने वाला हूं कि आखिर हमारे दांतों में पीलापन क्यों आता है, क्या कारण है उसका। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ, बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, बहुत ही यूजफुल वीडियो होने वाला है। और आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे के बटन जरूर दबा दें, जिससे मेरे आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहें, क्योंकि मेरे चैनल में आपको इसी प्रकार की यूजफुल इंफॉर्मेटिव वीडियो जो ओरल हेल्थ और जनरल हेल्थ से रिलेटेड होती हैं मिलती रहती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि स्टेनिंग यानी दांतों में पीलापन क्यों होता है। देखिए, किसी भी व्यक्ति के, किसी भी पर्सन के दांतों में पीलापन होने के दो प्रमुख कारण होते हैं। सबसे पहले मैं बात करूँगा पहले कारण के बारे में और वो है हमारे दांतों में जो सुरक्षात्मक आवरण होता है, जिसे हम इनेमल कहते हैं, जो सफ़ेद कलर का होता है, उसका किसी भी कारण से, चाहे वो मैकेनिकल कारण हो, चाहे वो केमिकल कारण हो, धीरे धीरे हट जाना यानी वियर ऑफ हो जाना, उसका क्षरण हो जाना। और दूसरा कारण होता है हमारे दांतों की, हमारे मसूड़ों की गंदगी, जिसके कारण से दांतों में स्टेनिंग हो जाती है। अब मैं आपको इन्हीं कारणों को एक एक करके डिटेल में बताऊंगा। जैसे सबसे पहला जो कारण मैंने आपको बताया, इनेमल का वियर ऑफ होना यानी धीरे धीरे हट जाना, इसके कुछ प्रमुख कारण होते हैं। तो सबसे पहला कारण है सही ढंग से ब्रश नहीं करना। जी हाँ दोस्तों, हम में से अधिकांश लोगों को, मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि 90% लोगों को यही नहीं पता होता है कि हम किस तरीके से ब्रश करें, ब्रश करने का सही तरीका क्या होता है, कितने समय तक हमें ब्रश करना चाहिए। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, हम लोगों की एक सोच होती है कि यदि हम ज़्यादा हार्ड वाला ब्रश यूज़ करेंगे, ज़्यादा देर तक ब्रश करेंगे, ज़्यादा ताकत के साथ ब्रश करेंगे तो हमारे दांत ज़्यादा साफ होंगे। होता ठीक है, दांत साफ होते हैं, सही बात है, लेकिन दांत साफ होने से ज़्यादा उसमें हमें नुकसान होता है। नुकसान ये होता है कि जब हम ज़्यादा ताकत से, ज़्यादा देर से हार्ड वाला ब्रश यूज़ करते हैं और रगड़ रगड़ करके अपने दांतों को ब्रश करते हैं, तो इससे दांतों का जो इनेमल है, जो सुरक्षात्मक आवरण है, वो धीरे धीरे हटना स्टार्ट हो जाता है, यानी उसका क्षरण होने लगता है। और कुछ दिनों बाद इनेमल पूरी तरह से हट जाता है और हमें दांतों का जो सेकंड लेयर होती है, जिसे हम डेंटिन कहते हैं, वो एक्सपोज हो जाती है, मतलब वो दिखने लग जाती है। इस डेंटिन का कलर पीलापन लिए हुए होता है, यानी लाइट येलो कलर का होता है और इसी कारण से हमें दांतों में पीलापन दिखाई देने लगता है। यदि आपको भी सही ढंग से ब्रश करने का तरीका नहीं पता है तो आप मेरे चैनल पर जाइए, वहाँ पे वीडियो सेक्शन में जाइए, आपको 3 वीडियो मिल जाएंगे, या डिस्क्रिप्शन चेक करिए, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप डायरेक्टली वहाँ भी ब्रश करने के सही तरीके के बारे में, गलत तरीके से ब्रश करने से क्या नुकसान होते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी ले सकते हैं। अब बात करते हैं दूसरे कारण के बारे में और वो है एसिडिटी। जी हाँ, यदि कोई व्यक्ति ऐसा है जिसको एसिडिटी की समस्या बार बार हो रही है या लंबे समय तक होती है या रहती ही है, तो उसे उसके दांतों में पीलापन आ जाता है। होता ये है कि जब एसिडिटी होती है तो हमारे ओरल कैविटी में बहुत सारे एसिड रिलीज होते हैं, वो हमारे जैसे बोलते हैं खट्टी डकार आती है तो डकार के माध्यम से आ जाते हैं और ये एसिड्स इनेमल को धीरे धीरे हटाना स्टार्ट कर देते हैं, यानी उसका क्षरण करना स्टार्ट कर देते हैं। इनेमल जैसे ही हटा, दांतों का डेंटिन एक्सपोज हुआ और दांतों में धीरे धीरे पीलापन आने लगता है। तीसरे कारण के बारे में बात करूँ तो वो है जो व्यक्ति ज़्यादा मात्रा में चाय, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक्स, इन सब चीज़ों का सेवन करते हैं, उनके दांतों में भी पीलापन धीरे धीरे आता है। उसका कारण यह है कि इनको पीने से हमारे ओरल कैविटी का पीएच बदल जाता है, मतलब ये एसिडिक होते हैं, पीएच बदलता है, पीएच बदलने के कारण हमारा इनेमल धीरे धीरे घिसने लग जाता है, हट जाता है, कमजोर पड़ जाता है और डेंटिन एक्सपोज हो जाता है, जिसके कारण दांतों में पीलापन आ जाता है। अब चलिए बात करते हैं चौथे कारण के बारे में और ये है ट्रीटमेंट। ये दोस्तों, ये आपको थोड़ा सुन के अटपटा लग रहा होगा, अजीब ढंग आपका ये रीजन समझ में आ रहा होगा, लेकिन बिल्कुल बात ये सही है। देखिए, जो व्यक्ति ज़्यादा मात्रा में मेडिसिन लेते हैं, खासकर मैं आपको 2-3 मेडिसिन का नाम लेना चाहूँगा, जैसे टेट्रासाइक्लिन हो गया, डॉक्सीसाइक्लिन हो गया,
या फिर आयरन टॉनिक हो गए, इनका यदि ज़्यादा मात्रा में या रेगुलर काफ़ी समय तक कोई व्यक्ति प्रयोग करता है तो उसके दांतों में स्टेनिंग हो जाती है, यानी पीलापन आ जाता है। इसके अलावा कोई ऐसा व्यक्ति है जो रेडियोथेरेपी ले रहा है, कीमोथेरेपी ले रहा है, तो इसके कारण भी दांतों में पीलापन आ जाता है। अब चलिए बात करते हैं पांचवें कारण के बारे में, और वो है यदि आप ज़्यादा मात्रा में फ्लोराइड का प्रयोग करते हैं, चाहे वो किसी भी तरीके से हो, जैसे फ्लोराइड वाला टूथपेस्ट आप ज़्यादा समय तक ज़्यादा लंबे समय से यूज़ करते आ रहे हो, या फिर आप ऐसे पानी को पी रहे हैं जिसमें फ्लोरीन की मात्रा सामान्य से ज़्यादा होती है, दोनों स्थितियों में डेंटल फ्लोरोसिस नामक एक समस्या होती है जिसमें दांत पीले पड़ जाते हैं, दांतों में चकत्थे पड़ जाते हैं यानी स्पॉट्स बन जाते हैं और दांत भंगुर होने लग जाते हैं। इस अवस्था को हम डेंटल फ्लोरोसिस कहते हैं। ये बहुत ही घातक बीमारी होती है, तो आप देख लीजिए यदि आपको ऐसी कोई समस्या है तो आप जो टूथपेस्ट यूज़ करें वो नॉन फ्लोराइडेड हो, और यदि आपके पानी में कोई समस्या है तो एक बार उसको ज़रूर जाँच करवा लें। अब बात करते हैं छठवें कारण के बारे में, और वो है नशा। जो व्यक्ति तंबाकू, धूम्रपान का किसी भी रूप में या तंबाकू का सेवन करते हैं, या पान गुटखा दम सुपारी खाते हैं, या फिर अल्कोहल कंजप्शन करते हैं, शराब का सेवन करते हैं, तो उसके दांतों में भी पीलापन हो जाता है। और उसका कारण ये केवल यही है क्योंकि बहुत सारे उसमें केमिकल्स होते हैं और वो दांतों के इनेमल को धीरे 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 हटाना स्टार्ट कर देते हैं और डेंटिन एक्सपोज हो जाता है। इसके अलावा जो तंबाकू वगैरह होती है इसमें स्टेनिंग प्रॉपर्टी होती है, मतलब इसके जो केमिकल्स होते हैं वो दांतों के ऊपर बैठ जाते हैं, इसके कारण भी दांतों में पीलापन आ जाता है। अब चलिए बात करते हैं लास्ट फैक्टर के बारे में, और वो है उम्र। जी हाँ, जैसे जैसे उम्र प्रोग्रेस होती है यानी बढ़ती जाती है, यानी यदि हम बुजुर्ग की बात करें उन लोगों में, तो नेचुरली दांतों में स्टेनिंग आने लगती है, और उसका भी कारण जहाँ तक मैं समझता हूँ यही है कि उनके दांतों का इनेमल घिसना स्टार्ट कर देता है और धीरे धीरे डेंटिन एक्सपोज हो जाता है, दांतों में पीलापन आ जाता है। चलिए अब बात करते हैं डेंटल स्टेनिंग के दूसरे महत्वपूर्ण कारण के बारे में, और वो है हमारे ओरल कैविटी की, हमारे दांतों की, हमारे मसूड़ों की सही ढंग से साफ सफाई नहीं होना। होता ये है कि जब हमारे दांत हमारे मसूड़े सही ढंग से साफ नहीं होते हैं तो हमारे जो हम फूड पार्टिकल्स जो भी खाना खाते हैं वो हमारे दांतों में फंसते हैं, और वही धीरे धीरे बहुत सारे केमिकल रिएक्शन करते हैं, बहुत सारे एसिड्स का निर्माण करते हैं, बहुत सारे ऐसे चिपकने वाले पदार्थों का निर्माण करते हैं, और हमारे दांतों में हल्के भूरे कलर के या हल्के पीलापन लिए हुए और कभी कभी तो काफ़ी गहरे काले कलर के एक लेयर जैसे दांतों में चढ़ जाती है जिसे हम स्टेन कहते हैं, और ये भी दांतों में पीलापन लाने का एक बहुत बड़ा कारण होता है। तो अभी तक मैंने आपको इस वीडियो में दांतों में पीलापन क्यों होता है इसके दो महत्वपूर्ण कारणों के बारे में बताया। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होगा। अब चलते हैं सवालों की ओर। आज का मैंने सवाल लिया है भानु जी का, और इन्होंने सवाल किया है कि दांतों में खून आने का प्रमुख कारण क्या होता है। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ही वैल्यूएबल सवाल है। थैंक यू इस क्वेश्चन को पूछने के लिए। मैंने अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस में भी देखा है कि बहुत सारे जो मेरे पास पेशेंट आते हैं वो इस कंप्लेंट के साथ जरूर आते हैं कि उनके मसूड़ों से खून बहुत ज़्यादा आता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसके बारे में मेरे चैनल पे बहुत सारे वीडियोस हैं, आप एक बार उनको देख लीजिए। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक भी दे दूँगा, डायरेक्टली वहाँ से भी देख सकते हैं। चल इसके कारण के बारे में आपको बता दूँ इन शॉर्ट कि देखिए, जब हम दांतों में साफ़ सफाई ढंग से नहीं करते हैं दांतों की मसूड़ों की, तो हमें दांतों में गंदगी जम जाती है, उसमें इन्फेक्शन होता है, बैक्टीरिया ग्रो करते हैं, और हमें जिंजिवाइटिस जैसी समस्या होती है। जिंजिवाइटिस के बाद पायरिया, और पायरिया के बाद पेरिडोंटाइटिस जैसी समस्या हो जाती है। तो जब जिंजिवाइटिस होती है तो उसके कुछ सिम्टम्स होते हैं, प्रारंभिक लक्षण होते हैं, जैसे मसूड़ों में सूजन होना, मसूड़ों से खून आना, मुँह की बदबू आना, मसूड़ों में दर्द होना, मसूड़ों का लाल कलर का हो जाना, इसी प्रकार के लक्षण पायरिया में आते हैं। उसमें इन सब लक्षणों के साथ साथ पस का निर्माण भी होने लगता है और बहुत बदबू आती है मुंह से। ये कुछ कॉमन कारण हैं जिसके कारण से हमारे मसूड़ों से हमारे दांतों से खून आता है। आशा करता हूँ कि आपको आपका आंसर मिल गया होगा। आप लोगों में से किसी का भी कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट हो तो मुझे आप कमेंट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा उसको अपने अगले वीडियो में लाने की, और मैं सारे कमेंट्स के पर्सनली रिप्लाई भी करता हूँ। तो आपका कोई भी डाउट हो फटाफट मुझे कमेंट कर सकते हैं। और हाँ, आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, यदि वीडियो आपके लिए उपयोगी हो, अच्छा लगा हो, आपसे आपको इसको वीडियो को देखने के बाद कोई जानकारी मिली हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और साथ में शेयर ज़रूर करें, जिससे महत्वपूर्ण जानकारी अन्य लोगों तक पहुँचे। बहुत जल्दी मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सब स्वस्थ रहें, सब निरोगी रहें। जय हिंद, जय भारत।